अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद नबीला। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पोस्टपार्टम चेंजेस के बारे में। पोस्टपार्टम क्या रहता? जब आप बेबी डिलीवर करते और उसके बाद का जो टाइम शुरू होता उसको बोलते पोस्टपार्टम। जब हम एक माँ बनने जाते, कोई भी अपने से ये शेयर नहीं करता कि आपके साथ ये होने वाला है। हर कोई हमको एक ब्यूटीफुल साइड दिखाता, हर कोई अपन को एक मैजिकल साइड दिखाता, बट उसके साथ इतने सारे झूठ बोल देते कि अपन समझते इट इज़ गोइंग टू बी रियली ब्यूटीफुल। यस, इट इज़ गोइंग टू बी ब्यूटीफुल, लेकिन जो डिफ़िकल्टीज आने वाले हैं भाई वो भी तो बता दो ना। वो तो कोई नहीं बताएगा। सबसे पहला झूठ क्या बोलते थे? घर के बड़े बच्चा होने के बाद पूरे तकलीफ़ां भूल जाते। एग्जैक्टली, तकलीफ़ां भूल जाते कब तक? जब तक आपके बॉडी में एनेस्थीसिया का असर रहता। उसके बाद जिंदगी भर तक याद रहते वो तकलीफ़ां। दूसरा झूठ, बच्चा होने के बाद मियाँ बीवी में प्यार इतना बढ़ जाता। सब झूठे बातें हैं, ये नहीं बढ़ता प्यार, कुछ भी नहीं बढ़ता प्यार, और उल्टा लड़ाइयाँ शुरू हो जाते हैं। क्यों मानूँ? क्योंकि बच्चे बहुत रोते हैं, ठीक है। वो रोना दिन भर सुन सुन के अपन पहले तो आधे पागल हो जाते हैं, फिर उसके बाद घर का काम, फिर जब हस्बैंड ऑफिस से आते उन्हें तो झिड़झिड़े रहते ही क्योंकि ऑफिस की वजह से, ऑफिस के टेंशन, वो बच्चे का रोना सुन के और छिड़छिड़ाहट हो जाती। अब टाइम स्पेंड करने गए तो टाइम स्पेंड होता नहीं क्योंकि बच्चा है अपने पास। उससे क्या होता? कोई भी छोटी बात पे लड़ाई शुरू हो जाती। तीसरी बात, इतना पुट ऑन कर लिए तुम वेट, अब तक वेट कम नहीं हुआ। भाई अब तक वेट कम नहीं हुआ बोले तो अब क्या कर ही ना है अपन 3 महीने में वेट कम करने? नहीं होता, योर बॉडी नीड्स टाइम। आप अपनी बॉडी में वेट 9 मंथ्स तक गेन करें, 9 मंथ्स में गेन करें वेट, तो आप एक झटके में वेट कम नहीं कर सकते। इट विल टेक टाइम, 1 साल तो लगता ही लगता इफ़ यू मेंटेन अ हेल्थी लाइफस्टाइल। अब ये फालतू के लोगों के बातों में आके डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। होता हर किसी के साथ, होता हर औरत के साथ होता, आई गेस मेरे साथ भी हुआ ही है। हमारी बॉडी में इतने सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, इतने सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमको इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, छिड़छिड़ाहट, गुस्सा, रोना, हंसना, ये सब चेंज होते था, मूड स्विंग्स जैसा बोलते ना, वो होते रहता। और ये कोई समझ नहीं सकता। अगर आपको आपकी प्रॉब्लम शेयर करना है, द बेस्ट पर्सन एट दिस टाइम will be your husband। आप अपने husband को best friend बना लीजिए ये time पे, क्योंकि वही साथ देने वाले हैं वो time पे आपका। एक छोटा encouragement भी आपके husband की तरफ से will just make your day, या maybe make your life। बस अगर आपके husband बोल दे yes you are doing great, you are a great mother, that is it guys। एंड वैसे भी इतने सारे थॉट्स आते रहते हैं वो टाइम पे कि मैं बच्चे को सही संभाल सक रही हूँ, या मैं एक अच्छी माँ हूँ, ये सब थॉट्स आते हैं, या मैं पागल हो जा रही हूँ, ये सब थॉट्स आते हैं। एंड इट इज़ क्वाइट नॉर्मल, सबके दिमागों में ये थॉट्स आते हैं, एंड इट इज़ क्वाइट नॉर्मल। यू आर द बेस्ट मदर, आई मीन वी ऑल आर द बेस्ट मदर्स। हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, एंड दैट इज़ इट। अगर आप वेट पुट ऑन कर लिए दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, बट डोंट गेट कम्फर्टेबल इन दैट वेट बिकॉज वो आपके लिए अच्छा नहीं है। ट्राई रिड्यूसिंग इट स्लोली, स्टेप बाई स्टेप, हर चीज़ स्टेप बाई स्टेप। एंड वॉट एवर यू आर फीलिंग आप अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस कीजिए, सो दैट यू बोथ कैन फिगर आउट समथिंग एंड डू समथिंग ग्रेट इन योर लाइफ। That's it for today. Hope you liked my video, and if you liked my video, please give me a big thumbs up, subscribe to my channel if you haven't yet, and share it with your friends and family so that wo log bhi alert ho jaye. Thank you. Bye-bye.